ये पंचर मेरे प्यार की निशानी है। ये सिर्फ उसकी टेस्टिंग ले जा रही है। सोनमर्ग पहुंच गए गाइस, पहुंच गए। पहाड़ी पहाड़ी पे अच्छा अभी हम जा रहे हैं रामतेरी गंगा वैली ये पॉइंट पर जहाँ पर पिक्चर की शूटिंग हुई थी। यहाँ एक और मूवी की शूटिंग हो रही है। ये सब सामने स्नोफॉल है, ये थाजी बात। और यहाँ ओले स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए। यहाँ बारिश नहीं आती, बस ये हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है। दुबई का फैशन कश्मीर का मौसम एक बार बार में बदल जाता है। बारिश भी पड़ रही है, तेज हो गई सुबह से 6-7 बार आ रहे हैं। हमारे पास कैमरा लग रहा है ना, इसलिए कैमरा था होता उठता क्या उस दोनों कहा जा रहा है। हम जा रहे हैं थाजी पास ग्लेशियर जहाँ पर जब तक है जाम और बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी और रामतेरी गंगा वैली की भी शूटिंग हुई थी। स्पॉट देखते हैं प्लस थाजी पास ग्लेशियर देखते हैं, मैंने और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। भैया बताते चलना है यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है गाइड करते चलना। बूढ़े वाला बताएगा पूरा। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपका नंबर डाल दो यूट्यूब पे। नहीं क्या है होटल्स वगैरह की जैसे रिक्वायरमेंट होती है, आप एकदम अपने आप में कंप्लीट मैन हो, आपका नंबर दे दूंगा सब रिक्वायरमेंट आप अपने आप पूरी कर दोगे। ऑल इन वन हमारे यहाँ फोर मैन कहते हैं उसे। हाँ जी बच्चों को तो प्रैक्टिस है यहाँ पे, पूरी प्रैक्टिस है। क्या है पहाड़ी लोग हैं, तुम बताओ कितने कितने से और क्या स्पीड के साथ चल रही है खानी जी। आगे नहीं ओवरटेक कर रही है, वो भी पास भी नहीं दे रहा है। मुझे भी ऐसा वाला सीन लग रहा है कि घोड़ा ले लेना चाहिए, घोड़े से जाना चाहिए ठीक है। बड़ा ब्यूटी मैन इधर बना बेताब पिक्चर किधर बेताब जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। व्यू एक नंबर भाई, बहुत प्यारा व्यू है। अभी थोड़े से हैवी चल, घोड़े पे बैठा तो बड़ा डर लग रहा था। अभी थोड़ा हैवी चल हो गए, पहले आ जाता मैं भाई साहब। तुझे भैया गिर जाएंगे। तो गाइस घोड़े पे बैठने की प्रैक्टिस है, चढ़ाई के टाइम पे आगे झुक जाओ और जब घोड़ा उतर रहा हो तो पीछे की तरफ झुक जाओ। अब हमें पीछे की तरफ झुकना क्योंकि हमें उतरना है। बड़े हेलो बोलते, हेलो बोलो, हेलो बोलो बेटे, तुम भी हेलो बोलो, हेलो बोलो। ना भाई साहब प्रॉपर घोड़ा लिए देख, ओ घोड़े के ऊपर घोड़ा तेरी ये क्या। तो भाई साहब देख रहे हैं डर बहुत ज्यादा। बोलने के लिए लकड़ी की एक फट्टा टाइप है उस पर राइड कराते हैं लोग और
600 रुपये चार्ज करते हैं उसका। हमें तो घर नहीं करनी है तो हमने तो मना कर दिया। एक चीज़ अच्छी लगी तो हाथ में ले रखा है इन्होंने, उसको रेड कराते हैं। हमें नहीं करना इसलिए हम नहीं कर रहे। ताजीवास ग्लेशियर के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं, बस पहुंच के दिखाते हैं आपको। ये देखो इतना एक लुक देख लो थोड़ा सा दूर से। ये देखो भाई सामने स्नोफॉल हो रही है, आपको जूम करके दिखाते हूँ। ये देखो दिखा, ये देखो धुंधला धुंधला सब, ये सब सामने स्नोफॉल है। ये ताजीवास ग्लेशियर है और यहाँ पर अभी स्नोफॉल हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब ताजीवाल ग्लेशियर है। ये देखिए, ये देखिए ऊपर ताजीवाल ग्लेशियर। चाय का आनंद, मैगी आ रही है। ड्रोन उड़ाने का मन था लेकिन हवा यहाँ इतनी तेज है, ड्रोन मेरा बहुत लाइट वेट है तो ड्रोन का प्लान कैंसिल। और अब स्नो इधर की तरफ भी आने लगी है, मौसम हो रहा है अब यहाँ पर ख़राब। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अब निकलते हैं। बहुत अफसोस रहेगा इस चीज़ का कि ड्रोन नहीं उड़ा पाया, पर क्या कर सकते हैं, ड्रोन मुझे बहुत प्यारा है। चलो निकलते हैं यहाँ से, चलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें सर एवरीवन। ये पूरा बंद रहता है, 6 महीने के लिए पूरा बंद रहता है। कब होता है? नवंबर से अप्रैल तक पूरा बंद रहता है। किसी पर फिर कब खुलता है ये? अप्रैल में। अच्छा अप्रैल में खुलता है, जब यहाँ की स्नो वगैरह मेल्ट हो जाती होगी। जहाँ से आप नीचे से है ना, एट दैट टाइम मार्च अप्रैल में वहीं पे आपको स्नो 5-6 फुट स्नो मिलेगा। अच्छा अप्रैल नीचे, अप्रैल में पूरा नीचे, यहाँ से जो है ना 6 महीने पूरा स्नो हमारा यहाँ पे खुलता। कब तक है? अप्रैल से खुलता भैया, अप्रैल से खुलता है, अप्रैल में से खुलता है। जैसा आपने सुना ही होगा, हमारे साहिल भाई हमारे गाइड हैं, इन्होंने बताया कि नवंबर से अप्रैल तक ये बंद रहता है। सोनमर्ग में जहाँ हम लोगों ने बाइक पार्क किया, जहाँ हमने होटल बुक किया है, 5-5, 6-6 फुट तक वहाँ पे बर्फ होती है। तो अभी यहाँ का तो रास्ता ही बंद होता है, अप्रैल में खुलता है, नवंबर में दोबारा बंद हो जाता है। तो आप अगर प्लान करते हैं यहाँ आने का तो उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। बाकी सर्दी बहुत है, मुझे पता नहीं था तो मैं हाफ जैकेट पहन के आया हूँ खाली, बाकी सर्दी बहुत है। अभी जा रहे हैं हम ग्लेशियर के पास, एक बार ग्लेशियर को देखते हैं फिर वापस निकलते हैं। हंस के दिखा रहे, हेलो कर दे, हेलो। यहाँ की नदी जो ग्लेशियर से, ये नदी नदी जो है ग्लेशियर से आ रही है। ये देखिए पूरी नदी ग्लेशियर से है, बहुत ही प्यारा सीन है। सोनमर्ग में यहाँ पर पड़ गई बारिश और यहाँ ओले स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए तो गाइस यही वो स्पॉट है जहाँ बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। एंड में आपने देखा होगा इधर नदी के उस साइड में बॉर्डर, टेम्पररी बॉर्डर टाइप बना दिया था और एक इधर बना के तो इसका पूरा शूट करा था। ये वाली वो लोकेशन है। बाकी सलमान खान यहाँ पर आए थे, टूरिस्ट वगैरह उस टाइम पर रोक दिए गए थे, जैसे कि साहिल भैया ने मेरे को बताया जो कि हमारे गाइड है। बाकी यार व्यू एक नंबर है, बारिश पड़ के जस्ट अभी बंद हुई है, सर्दी लग रही है बहुत भयंकर और नाक चल रही है और मौसम ऐसा गधा, जितनी मतलब हम गर्मी में तड़पते हुए मरते हुए आए ना उतना यहाँ के हम तृप्त हो गए, बिल्कुल मज़ा ही आ गया।
यार सीन देखो यार, एक नंबर सीन। यहाँ हो गया मौसम ख़राब और यहाँ अभी बारिश पड़ के जस्ट रुकी है अभी। और ये देखो ये स्नो हमारी तरफ आ रही है, स्नो है पता नहीं, बादल है पता नहीं क्या है, स्नो मुझे लग रही है। सीन एक नंबर भाई। और हम लोग जो रुके थे वो सामने जो छोटा सा झोपड़ी टाइप देख रहे हैं आप, चाय का स्टॉल टाइप है, यहाँ रुके थे। और यहाँ पर हम लोग ग्लेशियर पर तक गए थे। इससे आगे इधर की साइड जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने पहाड़, इधर चाइना का बॉर्डर है इसके क्रॉस करने के बाद में। और अगर मैं कैमरे का एंगल बदल के इधर कर दूँ और इस वाली पहाड़ी को हम लोग पार कर दें तो इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है। सीन यार, ऑसम यार, एक नंबर सीन। फाइनली डिनर टाइम आ गया और बस अब थक चुके हैं भयंकर वाले। पहले सुबह से अब तक बाइक राइड, उसके बाद में बोट राइड, फिर बहुत सारी चीज़ें। अभी टाइम हो गया है 9:45, सो इट्स डिनर टाइम। थके हुए हैं, सुबह हमें 8 बजे निकलना पड़ेगा अगर हमें ऑन टाइम लेह पहुँचना है, सारे सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हुए अगर पहुँचना है तो ऑन टाइम हमें निकलना ही होगा। और जो साहिल भाई मिले थे हमें, जो हमारे टूरिस्ट गाइड थे, उन्होंने एक चीज़ और बताई कि अगर सुबह 8 बजे आप निकल जाओगे तो जोजीरा पास के आसपास में काम चलता रहता है 10 बजे से 3 बजे तक वो लोग बंद कर देते हाईवे। तो इट्स बेटर कि हम लोग ये जो रास्ता है ऑन टाइम ही इसको कवर कर लें, कोशिश तो यही रहेगी। बाकी डिनर विनर करके रूम पे पहुँचते हैं, देन मिलते हैं, डिनर आने वाला है, खाते हैं फिर निकलते हैं। सो फाइनली हम लोग वापस अपने रूम पर पहुँच गए। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा और काफ़ी मज़ा भी आया। हम लोगों ने हॉर्स राइड भी करी, बाइक राइड तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। और एक साहिल नाम के हमें टूरिस्ट गाइड मिले जो काफ़ी हेल्पफुल हैं, उनका नंबर मैंने ले लिया है। नंबर मैं आपके आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहा होगा। अगर कभी भी आप सोनमर्ग आ रहे हैं तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये आपको होटल से लेकर टू से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सबको फुलफ़िल कर देंगे। और सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी क्योंकि ये टूरिस्ट के साथ साथ में स्टडी भी कर रहे हैं और सिर्फ 21 ईयर्स के हैं, 21 साल के हैं बस, देख के लगेगा नहीं लेकिन हैं 21 साल के। और यहीं लोकल आई डी हैं, काफ़ी अच्छा नेचर है। उन्होंने हमें ये होटल कराया। होटल मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूँ, होटल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पसंद आया, ठीक है। बाकी गर्म पानी, ठंडा पानी वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी चीपेस्ट में भी कराया तो सब कुछ सही लगा। बाकी होटल की डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। सो आप लोग अगर सोनमर्ग आते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। सो आज का जो हमारा था, हमने ताजीवाल ग्लेशियर हम लोग गए थे और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। बीच में बारिश भी पड़ गई प्लस ओले भी आए तो वो सब भी हम लोगों ने इन्जॉय किया। साथ में चाय मैगी का भी हमने इन्जॉय किया वहाँ पे। मैगी थोड़ी सी कॉस्टली है, 80 रुपीज़ की मैगी है एंड 20 रुपीज़ की चाय है वहाँ पर। सो सब कुछ मतलब कुल मिला के ठीक है, इतना ऐसा कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इतना तो बनता है कि आपको अंदर पूरा एक वाइल्ड लाइफ करके एक पार्क, वहाँ से भी हम लोग गए तो हमने कई सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लोर किया। जैसे कि आपने अभी देखा भी होगा वीडियो में कि कल के लिए हम लोग निकलने वाले हैं लेह के लिए। सो अर्ली इन द मॉर्निंग हमें निकलना है 8 बजे। बाकी जानकारी डिनर के टेबल पर मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूँ। इनकेस अगर कुछ रह जाता है या कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। सो अभी के लिए गुड नाइट, आज के व्लॉग की यही समाप्ति होती है। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।